आप सभी का स्वागत है प्लाज्मा न्यूज पर। मैं आपके साथ रिजवान खान। प्लाज्मा न्यूज लगातार जामिया से लेकर शाहीनबाग के प्रोटेस्ट को कवर कर रहा है। यकीन मानी भयावह तस्वीरें हैं। नेशनल मीडिया देश से झूठ बोल रहा है और बीजेपी के लोग इतना गलत गलत शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं देश की महिलाओं के लिए। यकीन मानिए गुस्सा आ रहा है। वो मजाक कर रहे हैं देश की महिलाओं के सामने। संबित पात्रा ने ट्वीट किया, मैं लगातार टेलीविजन पर देख रहा हूँ। वो कहते हैं कि 500 रुपये में आप एक हिंदू महिला, मैं जानकर इंटरव्यू आपसे कर रहा हूँ। आप बताइए संबित पात्रा को, आप यहाँ पर सुबह से क्या देख रही हैं? क्या आपको लगता है कि 500 रुपये में लोग यहाँ पर आएंगे? सबसे पहले तो मैं ये बता देना चाहती हूँ कि शाहीन बाग का जो आंदोलन है, ये मेरे लगता है कि मेरे जीवन में एक ऐसा पहला आंदोलन देखा है मैंने जो इतना सांस्कृतिक तरीके से, क्योंकि देश के आंदोलन के भी तौर तरीके हमें बदलने चाहिए और शाहीन बाग से हम वो सीख लेते हैं। क्योंकि शाहीन बाग का जो आंदोलन है वो देशभक्ति से ओतप्रोत है, वो सर्वधर्म संभाव की बात करता है, वो नारा लगा रहा है, वो प्रोटेस्ट कर रहा है, वो गीत गा रहा है, वो कौमी एकता की बात कर रहा है, वो लगातार यहाँ का नौजवान पोस्टर बना रहा है, बैनर बना रहा है, वो इंडिया गेट को अपना एकता का एक प्रतीक चिन्ह मानकर इंडिया गेट एक छोटा सा इन्होंने बनाया है, भारत का नक्शा बनाया है जिसमें वो कह रहे हैं कि हम भारत के लोग संविधान को ध्यान में रखते हुए इस तरीके का हम विरोध करेंगे। सुबह से मैं ये आंदोलन में हूँ। यहाँ पर कोई चाय और पानी किसी भी प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं है। कहने का मतलब ये है कि अगर इस तरीके की चीज़ें होती कि ये 500 रुपये दे रहे हैं, 1000 रुपये दे रहे हैं, तो मुझे लगता है कि बहुत सारी चीज़ें हम लोगों को भी दिखाई देती। और संबित पात्रा जी की तो पूछिए मत, वो तो उनके तो हर बार जो बयान आते हैं वो स्त्री विरोधी आते हैं, धर्म विरोधी आते हैं। और माफ़ कीजिए, मैं सीधा सीधा विरोध जताना चाहूँगी कि वे अपने शब्द को वापस लें। देश पहली बार ऐसा हो रहा है, गुंडे शिक्षा के मंदिर में घुस कर देश की बेटियों को मार रहे हैं और देश का प्रधानमंत्री चुप है, क्या कहना चाहते हैं? जी बिल्कुल बिल्कुल जायज सवाल आपने किया है। इस देखिए, इस देश में 4 महीने से लेकर 70 साल की बुढ़िया तक का रैप हो रहा है और वो रैप कहीं भी, चाहे वो मंदिर में हो, सड़क पर हो या घर के अंदर ही हो जाए, मतलब देश की महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं। और महिलाओं के सवाल पे मोदी जी भूलना ही नहीं चाहते। देश का माननीय प्रधानमंत्री जी से मैं निवेदन करूँगी कि लगातार हर 10 मिनट में, 22 तारीख को ये निर्भया का बोल रहे थे कि क्या उसका ये स्टेटमेंट आ रहा है कि वो 22 भी तय नहीं है। यानी हमारे देश का जो कानून है वो बहुत लचीला है और देश के सत्ता पे बैठे हुए जो लोग हैं वो खुद भोगी हैं, वो खुद वासना से भरे हुए हैं। शायद इसीलिए वो महिला, चाहे उन्नाव का केस उठा कर देख लीजिए आप या चिन्मयानंद जी का उठा कर देख लीजिए, अपने हैदराबाद में तो वो 4 लड़कों को छूट कर दिया, लेकिन आपने 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 चिन्मयानंद के सवाल पर कुछ नहीं बोला, आपने उन्नाव पर कुछ नहीं बोला। देश की तमाम जो सरासर जो राजनीतिक स्टंट टाइप की चीज़ें हैं वो हमें सीधा सीधा नज़र आता है कि वो स्त्री विरोधी हैं, दलित विरोधी हैं और मुस्लिम विरोधी हैं। ये मेरा एक किस्वा थी, लगातार 10 दिन के बच्चे से लेकर 80 साल की माओ को मैं देख रहा हूँ यहाँ पर खड़ी। मैं बार बार कह रहा हूँ कि पूरा हिंदुस्तान इस प्रोटेस्ट पे खड़ा है मगर नेशनल मीडिया देश से झूठ बोल रहा है। आप क्या पा रही हैं, क्या पूरा हिंदुस्तान देखती हैं आप यहाँ पर? एक्चुअली देखिए, देश के मीडिया की हालत बहुत ख़राब है और मैं आपको बता दूँ, देश का ये कहते हैं कि 500 रुपये इन महिलाओं को दे रहे हैं और मैं कहती हूँ कि 500 और 1000 रुपये या करोड़ रुपया देश के मनुवादी मीडिया को दे रखा है। जो मीडिया लिख चुका है वो उन्हीं की भाषा बोलता है, इसलिए एक चैनल के अलावा मुझे नहीं लगता कि देश में तमाम जितने भी चैनल हैं जो सकारात्मक चीजों को परोसे। हमने तो टीवी देखना ही बंद कर दिया है। और देश के तमाम नौजवानों से मैं ये कहना चाहूंगी कि आप जिस तरीके का जो मीडिया आज दिखला रहा है बिल्कुल आप उसको मत देखिए। टुकड़े टुकड़े गैंग क्या है ये? टुकड़े टुकड़े गैंग ये मीडिया का ही दिया हुआ शब्द है जिसको आज वो बोल रहे हैं। और यहाँ पर जितना भी मुस्लिम वर्ग का व्यक्ति है या तमाम हिंदू वर्ग का या सेकुलरिज्म की विचारधारा मानने वाला जो व्यक्ति है, मैं देखती हूँ कि वो हमेशा मानवता की बात करता है। तो मैं सलाम करना चाहूँगी शाहीनबाग की बेगमों को, माताओं को, अम्मा को, दादियों को, जिन्होंने इतनी बड़ी एक सांस्कृतिक क्रांति खड़ी कर दी। एक सांस्कृतिक क्रांति अपने आप में, इसकी शैली भी बदलनी चाहिए। लोग आएंगे, गीत गाएंगे और देश को देशभक्ति की भावना से उत्प्रेरित होकर बच्चे कविताएं लिख रहे हैं, कविताएं पढ़ रहे हैं। महिलाएं आ रही हैं घरों से। अभी मैं एक घर में हम लोग गए तो वॉशरूम के लिए गए, इन्होंने पूरे घर खोल रखे हैं।
यहाँ पर माननीय मोदी जी ने यहाँ पर सुलभ शौचालय के लिए कुछ गाड़ियाँ ही नहीं लगा रखी है। हम तो मांग करते हैं उनसे कि शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन चल रहा है, ये गांधी की विरासत को मानने वाले लोग हैं, आप यहाँ पर गाड़ियाँ लगाइए ताकि महिलाएं जो हैं वो उसमें अपना उसका इस्तेमाल कर सकें। अपने तरीके से ये सारी चीज़ें कर रहे हैं, लोकतंत्र में अभिव्यक्ति की आज़ादी है, जब लोकतंत्र में अभिव्यक्ति की आज़ादी है तो फिर हम क्यों नहीं, आप लोकतंत्र में ही अपनी आवाज़ कह रहे हैं, शांतिपूर्ण तरीके से कह रहे हैं, किसी प्रकार का कोई हानि नहीं, नुकसान नहीं। आज जुम्मे की नमाज अदा की गई, हम उस नमाज में अदा हो रही थी, हम बाहर खड़े थे, हमें लग रहा था कि हम बहुत जन्नत वाली जगह पे आ गए, अल्लाह का नाम सुन के हम लोगों को इतना अंदर से एक थरथरी से छूट रही थी कि देखिए ईश्वर अल्लाह तेरो नाम सबको संपत्ति दिए भगवान, हमें तो ऐसा नहीं लगा। जबकि हम रस्ते में आ रहे थे तो ट्रेन में बहुत सी बातें हो रही थी, अब जा रही हैं ये है वो है, ये सब निरर्थक बातें हैं। व्यूअर्स लगातार हम कवरेज कर रहे हैं, 18-18 घंटे सड़क पर उतर कर लगातार सही तस्वीर आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। यकीन मानिए अगर 100 स्पीकर है तो उसमें से 60 स्पीकर हिंदू भाई और बहन है। लगातार ये जो हकीकत है जो नेशनल मीडिया देश से छुपा रहा है, उन तस्वीरों को हम लगातार आप तक पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग प्लाज्मा न्यूज।